Dear friends, today I'm here to talk about something which is very near to my heart, and then we all should know about it. Today is the time of, it's a difficult time. We are in a COVID-19 situation, and in this situation, all of us teachers are trying to cope up with this. Cope up in our personal lives, cope up in our professional lives, and really at many platforms I have heard leaders and administrators and teacher educators and teachers as such appreciating the way teachers have taken to online education, because so that there's no loss of teaching and learning. So because that is the primary objective of being a teacher, we as teachers, we appreciate that, or we our main goal is that the teaching and learning should go on. As we say, the show must go on. And the way teachers have adapted to the new technology, this virtual kind of teaching and learning, it is like really like fish to water. Jaise machli ko aap pani mein chhod dijiye, wo turant usko sikhana nahi padta ki kaise tairna hai. Usi tarike se har teacher ne isko adapt kar liya, and that is commendable. और इसको अडाप्ट करने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इसी तरीके से रिमोट में, जिस तरीके से हमने सडनली ऑनलाइन एजुकेशन में आ गए हैं, क्या यही है ऑनलाइन एजुकेशन, या ऑनलाइन एजुकेशन इससे ज़्यादा है या इससे कम है, ऑनलाइन टीचिंग इससे ज़्यादा है या इससे कम है. और ऑनलाइन टीचिंग जब हम जाते हैं तो किस तरीके के रिसोर्सेज होते हैं जो वो हमारे लिए अवेलेबल होते थे. क्या हमें लाइब्रेरी में किताबों के लिए जाना पड़ेगा? क्या इंटरनेट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं? हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में तो हमें कार्ड होना चाहिए कि हम 8 बुक्स ही इशू करा सकते हैं या 10 बुक्स ही इशू करा सकते हैं. सो मेनी क्वेश्चंस टू इट व्हेनेवर वी एंटर द ऑनलाइन एजुकेशन. And then the foremost question is, yes, it is the COVID times and we have adopted to online education. But is it going to stay here? Yes, it's going to stay. Even if as a practitioner of online education, I'm saying it, you may have different opinion, but yes, all the technology is going to be here to stay. We must accept it, because change is the most constant thing in life. It is going to change. If you remember, earlier television was not a thing. Even telephone was a luxury and everybody didn't have it. And now mobile, and mobile has become an essential part of it. People who like Bollywood movies or Hindi movies, they must be, they. If you recall, people from my segment, age segment, ek picture thi Naya Daur. नया दौर में लड़ाई थी एक गाड़ी और घोड़ा गाड़ी के बीच में, कि किस तरीके से गाड़ी को आने पे सबको ये लगता था कि अगर गाड़ी आ जाएगी, अगर बस आ जाएगी, तो हमारी घोड़ा गाड़ी तांगा गाड़ी नहीं चलेगी, हम खाएंगे कैसे. वो उस दौर का भी, तो टेक्नोलॉजी जब भी आती है एक नया कॉन्ट्रोवर्सी, जैसे अभी आजकल हो रहा है ऑनलाइन टीचिंग में, लोगों को ये लग रहा है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग आ जाएगी, सब कुछ ऐसे पढ़ाने लग जाएंगे, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, वीडियोज बन जाएंगे, तो टीचर्स का क्या रोल रहेगा? नहीं, एक अच्छे टीचर का रोल हमेशा रहेगा, क्योंकि टीचर का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन गिविंग नहीं होता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना नहीं होता है. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, द अदर डोमेन्स लाइक अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, एंड प्लस द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये सारे उन टीचर्स को, टीचर्स का रोल होता है डेवलप करने के लिए, जो सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं कर सकते. सो वी आर हेयर टू स्टे, एंड व्हेन वी आर हेयर टू स्टे, वी माइट एज वेल नो व्हाट आर द एजुकेशन रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल. एंड व्हेन द एजुकेशन रिसोर्सेज वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर देयर विच आर फॉर एवरीवन टू यूज. They cross all the barriers. They are open. खुले हैं सबके लिए. कोई भी आए, जो भी ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसका सिर्फ एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे ज्ञान चाहिए. और अगर ज्ञान चाहिए तो वो कहीं भी, किसी भी, ये सारे रिसोर्सेज उनके लिए हैं. एंड ये है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, जिनके बारे में मैं आज थोड़ा सा बात करूंगी.
एक और चीज जो आती है वो ये आती है कि जो मैं बोल रही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन रहेगी, कि ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है कि देश में या विदेश में, सभी पूरे देशों में, ग्लोब में लोगों के पास या देशों के देश में क्या किस तरीके की इंटरनेट फैसिलिटी है, किस तरीके से ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो ये कहती है कि 2019 के अंत में 53.6% ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल हैड एक्सेस टू इंटरनेट एंड दैट इज इंक्रीजिंग। सो वो बढ़ेगा। अब बिल्कुल आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, हम सभी के मन में आता है कि क्या वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास ICT रिसोर्सेज नहीं है। ये बात बिल्कुल है। और इसी तरीके से सरकारें जो हैं वो काम कर रही हैं कि ICT और इंटरनेट रिसोर्सेज लोगों के पास पहुंचे। हैविंग सेड दैट, इट इज गोइंग टू बी देयर एंड दैट इज वॉट KPMG एंड गूगल, विच आर बिग कॉर्पोरेट्स, दे सॉ इन 2016 दे थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ सर्वे एज टू वॉट विल बी द ऑनलाइन एजुकेशन सिनेरियो इन द नेक्स्ट 5 years। सो दे took data from 2016 and they found that, and since they are corporates, they always talk about it business, they said that in 2017 it was around 247 million US dollars and they estimated it to be, they predicted it to be in 2021 to be close to 2000 million US dollars. Imagine the jump. And that was not the COVID times when we are all in Zooming and Jitsing and whatnot. There are many softwares available. So that was prior to that. That time also they predicted that online education in India is going to be here to stay. So and in the COVID times, of course, it has really boosted and it has really boomed. And then what they said was it will be primary in these 5 major areas, which will be primary and secondary supplemental education. हम देखते हैं बाइजू है, वेदांतु है, इस तरीके के एप्स आते हैं जो बच्चों में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मल्टीमीडिया का प्रयोग कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी ठीक रहता है कि बार बार कौन ट्यूटर को देखेगा, कहाँ कोचिंग क्लासेस में जाएगा, बच्चा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड सो मेनी अदर इश्यूज। सो दीज एप्स आर पिकिंग अप। टेस्ट प्रिपरेशन, यू हैव मॉक टेस्ट प्रिपरेशन इवन बाई NTA फॉर नीट, फॉर GRF exams, etc. Reskilling and online certification, we see that Swayam has really, from 2016, the work of Swayam has gone into place. So that is reskilling yourself, your skilling. Let's say I did e-learning after my MEd and of teaching for many years. So we are reskilling ourselves to the changing times. And online certification, आपको कहीं जाना नहीं है, अगर जाना होगा तो सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाना होगा जैसे NTE में होता है, और स्वयं के द्वारा आप अपने कोर्सेज कर सकते हैं। हायर एजुकेशन, वी आर हियर, हायर एजुकेशन, UGC हैज गिवन परमिशन फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं आर देयर, सो ऑल दैट इज देयर। एंड अनदर एरिया इज लैंग्वेज एंड कैजुअल लर्निंग। Language, if earlier when we wanted to learn any language, it was like the times जब English समझने के लिए हमको Rapidex पढ़ना पड़ता था, और Rapidex भी हम छुपा के पढ़ते थे, like brown paper से cover कर लिया और फिर पढ़ रहे हैं ताकि कोई देखे ना कि हम Rapidex से पढ़ रहे हैं। But now so many apps are there, Duolingo is there, स्वयं पे आप courses देखेंगे language learning के लिए, और बहुत सारे resources हैं। Bolo app है जहाँ पर एक language से आप दूसरी language सीख सकते हैं, and casual learning के लिए। जैसे मान लीजिए आप YouTube पे जाते हैं, आपको बनाना है कि केक कैसे बनाते हैं, आपको बनाना है कि आम का अचार महाराष्ट्र में कैसे बनता है, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, महाराष्ट्र का अचार कैसे बनता है, तमिलनाडु में अचार कैसे बनता है, यू विल जस्ट गो टू यूट्यूब, यू विल टाइप एंड देन यू विल गेट। फॉर कैजुअल लर्निंग, दीज आर द एरियाज वेयर ऑनलाइन एजुकेशन हैज रियली पिक्ड अप, एंड ऑल दोज रिसोर्सेज आर बेसिकली ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। कोई भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से, बिना किसी की परमिशन से, बिना पैसे दिए उनसे सीख सकता है। दे आर बेसिकली ओपन एक्सेस है उन रिसोर्सेस की। देन इफ यू गो नेक्स्ट, ओपननेस का जो कंसेप्ट आता है वो कई संदर्भों में आता है। ओपन एक्सेस, जब किसी भी चीज के लिए हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसको एक्सेस करने के लिए, उससे ज्ञान अर्जित करने के लिए। ओपन कंटेंट, जब विषय वस्तु जो होती है, विषय वस्तु सामग्री जो होती है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होती है, बिना किसी कॉस्ट के अवेलेबल होती है, या कभी अगर कॉस्ट होती है तो वो सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट के लिए अगर आपको 2 रुपए पर पेज देना है तो वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज
सिलेबस कंटेंट इज फ्री, कोर्स वेयर जब पूरा जो सामग्री होती है वो एक कोर्स के रूप में स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के हिसाब से आपको मिल जाता है कोर्स वेयर। जी हाँ बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, मैं भी उनके बारे में बात करूंगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं और अगर आप उनमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि खाना बनाने के लिए रेसिपी जो होती है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के जो बनता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मुझसे किसी चीज की रेसिपी पूछते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप उसमें से सौंफ की जगह अदरक डाल सकते हैं या कोई भी और चीज डाल सकते हैं, मींस यू कैन कॉन्टेक्स्टुअलाइज इट, इट इज कॉल्ड एज सॉस। सो व्हेन द सॉफ्टवेयर्स यू शेयर योर सॉस द वन इज एबल टू कॉन्टेक्स्टुअलाइज एज पर देयर नीड्स एंड इट इज कॉल्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड मेनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल एंड पीपल लाइक यू एंड मी हु बिलीव इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, हु बिलीव दैट नॉलेज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी बाउंड्रीज, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू दोज सॉफ्टवेयर्स। ओपन एजुकेशन, मैं ओपन यूनिवर्सिटी में इस समय हूँ तो हमारी ओपन एजुकेशन में जो एडमिशन का फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सब चीज़ें होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। देन ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल हैं आप सबको। देन ओपन एक्सेस इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नल्स में जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में है। देन प्राइस बैरियर्स से हम हट जाते हैं और परमिशन बैरियर, लाइक यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट एंड यू डोंट हैव टू टेक एनीबडीज परमिशन। ओपन है, कॉपीराइटेड है, कॉपीराइटेड चीज नहीं है, आप जाके उसको उससे लर्न कर उससे सीख सकते हैं या बेनिफिटेड हो सकते हैं। देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे मैंने अभी बताया कि वो सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड हमें मालूम हो, जैसे ओपन ऑफिस है, मान लीजिए आपके पास वर्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज नहीं है तो आप उबंटू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास खरीदने के लिए या आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम में हैं जहां सॉफ्टवेयर्स के लिए तंगी है पैसों की, तो आपके पास पैरेलल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप यूज करके आईसीटी पे काम कर सकते हैं। देन बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो OERs आर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो हम फ्रीली यूज और रीयूज करते हैं। इसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, कोई परमिशन नहीं देनी पड़ती, एक हमने उसमें एक ब्लैंकेट परमिशन दी होती है कॉपीराइट रिसोर्सेज की कि जो लोगों के पास है लोग इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के लिए। हम देखें कि OER टर्म आया कहाँ से, अगर हम इसको ट्रेस करें तो 1994 में वाइने हॉजिन्स थे जिन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्ट की बात की। उन्होंने कहा जब भी हम किसी भी चीज का पठन या पाठन करते हैं या पढ़ते लिखते हैं उसको, तो उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ, जैसे सेल है, सेल हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, सेल हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सेल हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, होम साइंस में पढ़ते हैं। तो अगर मैंने कोई यूनिट मल्टीमीडिया रिसोर्स बनाया या कोई मॉड्यूल बनाया है तो वो तो हम किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं ना। सो ही कॉल्ड इट एज अ लर्निंग ऑब्जेक्ट। And when the learning object came into existence, तो metadata important हो जाता है कि वो किसने बनाया है, कब बनाया था, उसके बारे में छोटा सा brief, किस साल में बनाया था, ये सारी चीजें important हो जाती हैं। वही 1998 में David Wiley कहते हैं कि content जो है वो open होना चाहिए, सबके लिए खुला available होना चाहिए, and they gave and he gave the concept of open content, and he also said that the material should be published under open publication license, जिसको तो वो काफी प्रमोट करते थे, और जो भी बुक्स होती थी वो वहां पर ओपन पब्लिकेशन लाइसेंस में पब्लिश होती थी और सबके लिए अवेलेबल होती थी। फिर आया साल 2001 का जब दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, एक ये कि लैरी लेसिंग ने एक नया स्ट्रॉन्गर लीगल लाइसेंस दिया जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव कॉमन्स, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में भी करेंगे। और दूसरा जो हुआ था वो था कि MIT ने अपना कुछ कोर्स मटेरियल वो ओपन कोर्सवेयर की तरह रिलीज किया। इमेजिन MIT विच इज सो प्रेस्टिजियस इन इंस्टीट्यूशन कि जैसे ही MIT ने ओपन कोर्सवेयर की तरीके से अपनी चीजें की, वैसे ही लोगों ने उसके बारे में सोचना और बातें करना शुरू कर दिया और लोगों ने यूज करना शुरू किया। और उसी संदर्भ में यूनेस्को ने 2002 में, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल था जब OER शब्द कॉमन कॉइन किया गया, वी कॉइन द टर्म OER, जब उन्होंने एक फोरम बुलाया जहां पर उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि
ओपन कोर्सवेयर का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या असर पड़ रहा है. उन्होंने ये डिफाइन किया, वो डेफिनेशन हम आज भी यूज करते हैं, कि दे आर टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल्स. बेसिकली टीचिंग लर्निंग के मटेरियल्स हैं जो किसी भी मीडियम में होंगे, डिजिटल और अदरवाइज, और जिनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यूज करने के लिए हमें कुछ ज्यादा रिसोर्सेस का, हमें कुछ ज्यादा परमिशन या कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी. दिन 2007 में अगर हम देखें तो कोप टाउन ओपन एजुकेशन डिक्लेरेशन हुआ, जहां बोला कि एजुकेशन रिसोर्सेज ही ओपन नहीं बल्कि एजुकेशन ही ओपन होनी चाहिए, हमें ओपन टेक्नोलॉजीज यूज करनी चाहिए, जैसे विकी वगैरह, ये सारी टेक्नोलॉजीज हमें तब यूज करनी चाहिए. 2009 में अगर हम देखें तो डाकर डिक्लेरेशन की बात आती है, जिन्होंने OER की बात की, और 2011 में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग और यूनेस्को ने मिलकर गाइडलाइंस बनाई कि OER हायर एजुकेशन में कैसे यूज करना चाहिए. और 2012 का साल अगर आप देखें, 2002 से 2012, 10 साल बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे देश साथ में आए. दे केम टुगेदर इन अ प्लेस पेरिस एंड दे sort of deliberated on the OERs, ki what impact it will have on education, how it should be promoted, and they came up with a declaration which is popularly known as Paris OER Declaration. And for, there are many recommendations they did, and they said that it should foster awareness and use of OER. All the countries should talk about awareness of OER. जैसे हम अभी आज बात कर रहे हैं तो हमें OER के बारे में एक अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि there is something called OER which we should use and promote. फिर OER होने के लिए आपको एक environment चाहिए, आपके पास computer होना चाहिए, आपके पास internet होना चाहिए, ICT होना चाहिए. Then what are the strategies and the policies on OER? ये strategies जो होती हैं OER को development के लिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. Then किस लाइसेंस में OER आता है, जैसे यूज ऑफ ओपन लाइसेंसिंग, सो लाइसेंस के बारे में बात की. फिर लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, ताकि हम क्वालिटी रिसर्च मटेरियल बना सकें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर OER है तो उसकी क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी तो होनी ही चाहिए. सो हमें ये रिसोर्सेस बनाने चाहिए. उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को साथ आना चाहिए OER के लिए, हमें OER के डेवलपमेंट और अडेप्टेशन का कोशिश करनी चाहिए वेरियस लैंग्वेजेस में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में. जैसे कोई अमेरिका में बनाए तो हम अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बनाए, या अंग्रेजी में तो बहुत रिसोर्सेज हैं बट हमारे भारतीय भाषाओं में कम है, तो अगर आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप किसी अंग्रेजी में दिए गए रिसोर्स को ले सकते हैं और आप उसको भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करके आप कम्युनिटी में डाल सकते हैं. तो आपको कंटेंट नहीं डेवलप करना पड़ा, आपने भाषा में उसको चेंज किया. देन रिसर्च, ऑफ कोर्स नथिंग सर्वाइव्स और नथिंग ग्रोज विदाउट रिसर्च, तो उस पर रिसर्च करनी चाहिए. फिर OER को ढूंढे कहाँ पर, हम उसको कहाँ से ढूंढे, कहाँ से शेयर करें, कहाँ मिलेगा, इसके बारे में बात करनी चाहिए, या हमें लोगों को मदद करनी चाहिए. और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पब्लिक फंड से जो भी रिसोर्सेज बन रहे हैं उनको ओपन लाइसेंसिंग में डालना चाहिए. और ये हम अटेम्प्ट देखते हैं जब हम NPTEL के मटीरियल को, हम NROER के मटीरियल को, इन सभी मटीरियल्स को हम ओपन लाइसेंसेज में लाइक डेडिकेटेड करते हैं, पाते हैं, वो हम बात करेंगे अभी. 2017 में एक और सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ल्यूबियाना में हुई, उन्होंने भी वही कहा कि अवेयरनेस के साथ साथ आपको क्वालिटी, लैंग्वेजेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सस्टेनेबल मॉडल पे ज्यादा जोर देना चाहिए और पॉलिसी के बारे में. जब भी हम OER की बात करते हैं तो हम OER की बात दो संदर्भों में करते हैं. एक तो फ्रीडम, OER हमें फ्रीडम देता है एक्सेस करने की, किसी भी मटेरियल को पाने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए कोई आपको रोकेगा नहीं, उसको यूज करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं, और उसको शेयर करने के लिए कि आप किसी से भी बांट सकते हैं. बांटना जो है, जैसे कहते हैं ना कि सुख बांटने से बढ़ता है, उसी तरीके से OER बांटने से बढ़ते हैं. तो और फिर दूसरा जो है वो लाइसेंस है. लाइसेंस हम चार वेरिएबल्स पे बांटते हैं. एट्रीब्यूशन मीन्स अगर कोई भी OER है तो आपको उसको एट्रीब्यूट करना जरूरी है कि वो किसने बनाया है. अगर वो निशा ने बनाया है तो आपको निशा का नाम देना पड़ेगा, अगर वो किसी भी और ने बनाया है तो आपको उनका नाम देना पड़ेगा. दूसरा है शेयर अलाइक, अगर आप किसी चीज को फ्री में आप एज एन OER ले रहे हैं तो जब आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपको कम्युनिटी को उसको वैसे ही देना चाहिए जैसे आपको मिला हो. शेयर अलाइक, शेयर अलाइक, वैसे ही शेयर कीजिए.
तीसरा है नॉन कमर्शियल. व्हेन यू रिलीज द ओईआर इट्स एंड व्हेन यू यूज द ओईआर इट शुड बी फॉर द नॉन कमर्शियल पर्पस. दैट इज यू आर ओनली डूइंग इट फॉर द एजुकेशनल सेक एंड नॉट फॉर अर्निंग मनी. एंड द फोर्थ वन इज नॉन डेरिवेटिव्स व्हिच इज सपोज टू बी अ रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस व्हिच सेज दैट आप मेरे को मैंने जो आपको भी रिसोर्स बना के दिया है उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे. मीन्स अगर कोई रेसिपी है, मैंने केक की रेसिपी शेयर की है, तो उस रेसिपी में आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. मैंने एक कप मैदा बोला है तो आप एक कप मैदा ही डालेंगे. इस तरीके से उसके जो डेरिवेशन, उसके जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स करे हैं उनमें से आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. नो डेरिवेटिव. सिमिलरली कोई मॉड्यूल बनाया है तो उस मॉड्यूल में कोई आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे. अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वैसे ही कीजिए. सो ये चार कंडीशंस है लाइसेंसिंग की, जिससे हम हमारे पास छह लाइसेंस आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. ओईआर जब हम बात करते हैं तो हम उसको पांच आर के संदर्भ में बात करते हैं. पहला, रीयूज कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं. 100, 150, 1000, 2000 बार जितनी मर्जी बार आप उसको रीयूज कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो परमिशन सीकिंग एंड एनी नो रिस्ट्रिक्शन. रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं. जैसे आपको हो सकता है कि लास्ट पैराग्राफ को आप अपने तरीके से देना चाहते हैं तो आप चेंज कर लीजिए. कोई डायग्राम है उसको आप अपने तरीके से देना चाहते हैं, वो वाला डायग्राम आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. रीमिक्स, आप अगर मान लीजिए कोई मॉड्यूल चाहते हैं और आपको दो तीन जगह वो मिल रहा है, दो तीन जगह के रिसोर्सेज से मिलकर हमें वो चीज बना पा रहे हैं, तो हम उसको रीमिक्स कर सकते हैं. ओईआर हमको अलाउ करता है कि एक पोर्शन, सेक्शन ए हमने एक मॉड्यूल से लिया, सेक्शन बी हमने दूसरे मॉड्यूल से लिया, सेक्शन सी हमने तीसरे मॉड्यूल से लिया और उनको मिला के हमने एक कंप्लीट मॉड्यूल बना लिया अपने संदर्भ में. रीडिस्ट्रीब्यूट, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप उसको आगे बांट सकते हैं, स्टूडेंट्स में बांट सकते हैं, कोलीग्स में बांट सकते हैं, सीनियर जूनियर किसी को भी बांट सकते हैं जो भी उससे सीखना चाहे. और पांचवा, आप उसको रिटेन कीजिए, रिटेन कर सकते हैं. मगर आज मान लीजिए मैं उसको 10 साल तक रिटेन करके अगले 20-30 में यूज करना चाहूँ तो कोई मुझे रोकेगा नहीं, बिकॉज ओईआर की एक कंडीशन है कि आप उसको रिटेन कर सकते हैं. दे आर नोन एज 5 hours of OER. So, कोई भी मटेरियल OER हो सकता है, चाहे वो एक सिंगल पेज हो, नोट हो, पैराग्राफ हो, चाहे 100 पन्नों की किताब हो, चाहे 800 पन्ने की किताब हो, कोई गेम हो, कुछ भी चीज होगी, कोई टेक्स्ट बुक, वीडियो, सिलेबस रिव्यू, जो भी आप अपनी कम्युनिटी से सीखने सीखने और पढ़ाने के लिए अगर आप शेयर करते हैं वो OER कहलाता है, वो मटेरियल आपका ये. So, अगर हम देखें कि एक एक्टिविटी सोचा था प्लान करने के लिए, बट अगर आपके पास ये है तो आपके पास मोबाइल होंगे, अपने सिस्टम्स होंगे, प्लीज गो टू menti.com, प्लीज गो टू menti.com एंड यूज द कोड 996286. प्लीज गो टू menti.com एंड यूज द कोड 996286. कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, हैव यू एवर यूज्ड एन ओईआर, क्या आपने कभी ओईआर प्रयोग किया है. अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास ये खुला हुआ है और जैसे जैसे आप यहाँ पर यस नो और तीन मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, गो टू menti.com एंड यूज द कोड 996286. अगर आप अपना ओपिनियन देंगे तो इस तरीके से हम ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या जो टीचर्स हमें सुन रहे हैं, जो टीचर्स हमसे बात करने ओईआर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उन्होंने कभी ओईआर यूज किया है. सो इसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं menti.com में जाके और आप कोड यूज कर सकते हैं 996286. सो अभी तो किसी ने नहीं किया है बट आई होप यू विल डू इट, menti.com एंड देन 996286. लेट्स गो अहेड, आपने नोट कर लिया होगा एंड देन अभी हम फिर से जाके देखेंगे तो शायद हमें मिल जाएगा उसमें. सो लेट्स सी सम ऑफ द ओईआर इनिशिएटिव्स व्हिच आर हैपनिंग विच वर देयर. सो ओईआर इनिशिएटिव्स को अगर हम देखें तो एमआईटी का, जैसे मैंने पहले बोला था 2001 में एमआईटी ओपन कोर्सवेयर, उन्होंने अपना कुछ मटेरियल जो है वो पूरी वर्ल्ड के लिए रिलीज किया था और हम अभी आके देखते हैं. उसी तरीके से ओईआर अफ्रीका एक ऐसी साइट है जहां पर आपको मटेरियल मिलता है. अफ्रीका टीचर एजुकेशन इन सब सहारन अफ्रीका, यहां पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है.
जिसके बारे में आप कर सकते हैं, जहां पर आप ढूंढ सकते हैं। इसमें अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत सारा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल यूज होता है जो अफ्रीकन कंट्रीज में यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया MIT कोर्सवेयर में आपको मिलता है, देन आपको OER अफ्रीका एक साइट है जहां पर मिलता है। देखिए ये साइट्स जो मैं बता रही हूँ दे आर नॉट द ओनली साइट्स, दिस इज जस्ट अ सजेस्टिव लिस्ट जहां पर आपको मटेरियल मिलता है। ओपन कोर्स लाइब्रेरी ये ऐसी साइट है जहां पर आपको मटेरियल मिलता है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल आप ढूंढ सकते हैं आप यहाँ पर। देन एक और साइट जो हम अक्सर यूज करते हैं वो है ओयर कॉमन्स। ओयर कॉमन्स एक ऐसी साइट है जहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है। अभी जिन साइट्स के बारे में मैं बात कर रही थी वहां पर आपको मटेरियल मिल सकता है, बट ये जो ऐसी साइट है यहाँ पर आप मटेरियल शेयर भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं कोई मटेरियल, जैसे ओपन कोर्स लाइब्रेरी है वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप मटेरियल ले सकते हैं। बट जब हम ओयर कॉमन्स में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप अपना बनाया ये हुआ मटेरियल डाल भी सकते हैं। जैसे देखिए आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट OER विद ओपन ऑथर। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेम्पलेट और एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, एक एप्लीकेशन बना रखी है जिससे आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट एरियाज मेंशन्ड है, लाइक अप्लाइड साइंसेज है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स है, लॉ है, लाइफ साइंसेज है, ये सारे। और ग्रेड लेवल के हिसाब से भी इन्होंने डाल रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी। सो पोस्ट सेकेंडरी विल भी, जैसे हम लोग हायर एजुकेशन की अगर हम हैं तो हमें हायर एजुकेशन का मटेरियल यहाँ पर मिलता है, प्राइमरी एजुकेशन का मटेरियल मिलता है, साथ में सेकेंडरी एजुकेशन का भी मटेरियल मिलता है। साथ ही साथ वो मटेरियल बहुत सारे टाइप्स का भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी कराना चाहें तो वो भी है, कोई केस स्टडी देना चाहें, असेसमेंट करना चाहें, फुल कोर्स लेना चाहें, कोई गेम कराना चाहें, ये सारे तरीके की से देखिए इतने सारे तरीके की लेसन मॉड्यूल लेसन प्लान सब मिलता है आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एजुकेशन में कोई मटेरियल ढूंढना चाहें से वेब टूल्स के हिसाब से, तो एजुकेशन में करीब 4,467 रिसोर्सेस दे आर अवेलेबल देयर। एंड इफ यू लुक एट दिस, दिस इज 100 फ्री वेब टूल्स फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। अगर मैं पहला रिसोर्स यहां पर देखूं, जैसे ही मैंने एजुकेशन पे टिक किया, जैसे मैं आपको बता रही थी सब्जेक्ट्स वाइज है, तो मैंने सब्जेक्ट पे टिक किया क्योंकि एजुकेशन सरल लगा मुझे और मैं एजुकेशन की हूँ इस वजह से भी। तो एजुकेशन में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हर हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर के रिसोर्सेज होंगे। एजुकेशन में 4,467 रिसोर्सेज हैं। इसमें ये देखिए कितने सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे पहला रिसोर्स अगर हम देखें तो 100 फ्री वेब टूल्स फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। एलिमेंट्री टीचर्स के लिए 100 फ्री वेब टूल्स हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? एजुकेशन। मटेरियल टाइप क्या है? रीडिंग के लिए है। जैसे मैंने कहा था मेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ दिखती है, रीडिंग के लिए है। प्रोवाइडर कौन है? ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन इकोलॉजी है। और किस टीचर्स के लिए है? छोटे फॉर क्लास K5 टीचर्स स्कूल के लिए है। ऑथर कौन है? जॉस जॉन कॉस्टलिया है। और किस साल में उन्होंने किया था? 2014। सो 2014 और अभी 2020 चल रहा है, तो आपको कुछ टूल्स तो एक्टिव अभी भी मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। बट अगर आप ये रिसोर्स देखना चाहें तो आप इसको आगे देख सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इसमें स्टारिंग भी होती है, स्टार मतलब इसे हम लोग रेट करते हैं उसको, तो पीयर ग्रुप जो है वो इसको रेट करता है और हमें उसके बारे में और डिटेल्स यहाँ पर पता चल जाते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में। यहाँ से पढ़ के अगर हम उस मटेरियल में इंटरेस्टेड होते हैं तो हम उसमें आगे जा सकते हैं, अगर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम उसमें आगे जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम दूसरे रिसोर्स की तरफ चले जाते हैं। सो इफ यू गो फर्दर,
हम यहाँ पर नीचे देखते हैं कि एक लाइसेंस लिखा होता है। पेज में अगर हम नीचे आते हैं, पेज में किसी भी पेज में जो भी OER का पेज होगा उसमें जब हम नीचे आते हैं तो हमें एक लाइसेंस का या तो सिंबल दिखा दिया होता है या फिर लिखा होता है क्रिएटिव कॉमन्स। सो क्रिएटिव कॉमन्स जहां पर भी लिखा होगा दैट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेज विच आर अवेलेबल या विच आर इन टू यूज। सो जैसे ही लाइसेंस होता है वैसा लाइसेंस आप यूज करते हैं। सो मैंने बताया था आपको 6 लाइसेंस होते हैं, सीसी एट्रीब्यूशन, सीसी शेयर अलाइक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं या नीचे आपको लाइसेंस का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर है सीसी बाय एसए, मतलब सीसी तो क्रिएटिव कॉमन्स के लिए है, बाय एट्रीब्यूशन के लिए है कि आपको एट्रीब्यूट करना है, और शेयर अलाइक मतलब आपको उसी टर्म्स में शेयर अलाइक करना है, जैसे क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक 3.0 ये लाइसेंस है। तो हम इन लाइसेंस से हम बात कर सकते हैं। देन बहुत सारी रिपोजिटरीज भी हैं, अवेलेबल हैं, वो ये रिपोजिटरीज हैं जो मदद करती हैं हमको चीजें ढूंढने के लिए। सो अगर आप OER नॉलेज क्लाउड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देन एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, उन्होंने ये पाया कि जो अगर हम अभी भी देखें तो OER का जो अवेयरनेस है वो सिर्फ 50% है, उससे ज़्यादा अवेयरनेस अभी 2018 में हुआ था उससे ज़्यादा अवेयरनेस उन्होंने नहीं पाई। और उन्होंने कहा कि दिस इज़ रियली पिकिंग अप बिकॉज लोग अब डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम डिजिटल रिसोर्सेज की बात करें और ये डिजिटल रिसोर्सेज हमें कहाँ मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था जैसे OER नॉलेज क्लाउड है जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये रिपोजिटरी है जहाँ पर आपको बहुत सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो जब हम कहाँ वहाँ ढूंढेंगे और फिर अवेयरनेस अभी 50% है, अभी और बढ़ गई होगी क्योंकि मैंने 2018 की स्टडी कोट की है। एक और स्टडी जो हमारी इंडिया में हुई थी वहाँ पर अगर हम देखें इसको देखें तो ये इसमें हम अवेयरनेस देखें तो 93.1% पीपल आर अवेयर। सो हम अगर अपने एजुकेशन सिनेरियो में देखें तो काफ़ी अवेयरनेस है, तो लोग तैयार भी हैं शेयर करने के लिए 86.1%। अगर हम इस पे डेटा देखते हैं तो 86.1% ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट से दे वांट टू यूज शेयर देयर कोर्सेज एज OER, लेकिन क्या उन्होंने यूज किया है इसको कि नहीं वो परसेंटेज काफी कम है। जैसे इसीलिए मैंने आपसे अभी पूछा था कि हैव यू एवर यूज्ड इन OER। सो आप ये देखेंगे यहाँ पर 19.8%, क्लोज टू 20% पीपल आर सेड दैट दे हैव यूज्ड OER, अदरवाइज OER लोग कम यूज करते हैं। रीजन क्या है ये शायद एक रिसर्च का विषय होना चाहिए कि क्यों है लोग क्यों OER कम यूज करते हैं। एक रीजन जो ये पाया जाता है रिसर्चेस बताती हैं कि लोगों को क्वालिटी रिसोर्सेज उतने नहीं मिलते हैं, फिर जिस पर्टिकुलर गोल के साथ वो जाते हैं OER लेने तो वो एग्जैक्टली नहीं मिलता है, फिर उनको एप्रीहेंशंस होते हैं कि हम मिक्स कैसे करें इनको, भाषा का कंस्ट्रेंट होता है, रिसोर्सेज किसी और भाषा में है और हम उसको किसी और भाषा में यूज करना चाहते हैं, सो एट्रीब्यूट कैसे करें, और बहुत सारे इस तरीके के बैरियर्स हैं जिसको धीरे धीरे करके मेरे और आपके जैसे लोग ही इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ओपन कोर्सेज कोर्सवेयर्स अवेलेबल हैं जैसे ल्यूमन लर्निंग है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सवेयर्स मिलेंगे। MIT तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, बहुत कोर्सवेयर्स मिलते हैं, पूरा पूरा कोर्स है, वीडियोस हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। देन सेलर एकेडमी है, अनदर प्लेस वेर यू गेट लॉट्स ऑफ कोर्सेज, ओपन कोर्स लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मटेरियल मिलता है, एकेडमिक अर्थ है, नोबा साइकोलॉजी है जहाँ पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज मिलते हैं, विकीवर्सिटी है यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ओपन कोर्सेज मिलते हैं। और जब मैं ओपन कोर्स बोल रही हूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक मॉड्यूल ही नहीं मिलता बल्कि एक कोर्स की पूरी सामग्री मिलती है। जैसे सपोज अगर मैं कोई कोर्स बनाना चाहती हूँ कि द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर ऑनलाइन पेडागॉजी, दिस इज अ कोर्स मटीरियल, वो पूरा कोर्स मटीरियल मिलेगा। से अगर मैं कोई कोर्स रन करना चाहती हूँ ऑन
sustainable development, yeah, sustainable ecology, yeah, sustainable ways of working with the environment, तो आपको पूरा कोर्स मटेरियल वहां पर मिलता है. देन ओपन लर्न एक और प्लेस है जहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है बाय ओपन यूनिवर्सिटी. ओपन मिशिगन है जहां पर आपको बहुत कोर्सेज मिलते हैं. ओपन येल है जहां पर आपको मिलते हैं. TU-DEFT है, TU-DEFT ओपन कोर्सवेयर है. कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी ओपन लर्निंग इनिशिएटिव्स है. जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्सवेयर है. इन सभी में अगर हम अंदर जाएं तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं जिसको आप अडेप्ट कर सकते हैं, उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से. एक बहुत सरल सा क्वेश्चन सामने आता है कि अगर हम कुछ कोर्स बिल्ड करना चाहते हैं या पढ़ाने लिखाने के लिए अगर हम मटेरियल यूज करना चाहते हैं तो हमें कहाँ मिलेगा. अगर हम मीडिया के हिसाब से बांटे तो हमें चार भागों में हम बांट सकते हैं. तो हमें इमेजेस सबसे पहले शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पावर पॉइंट्स में इमेजेस चाहते हैं और फिर उनको लगता है कि हम कहाँ से इमेजेस हैं, हो सकता है ये कॉपी राइटेड इमेजेस हैं. तो ये इमेजेस जैसे पिक्साबे है, पिक्साबे में आपको मिलेगी, पिक्सल में आपको मिलेंगी, अनस्प्लैश है वहां पर आपको मिलेगी, फ्लिकर है वहां पर आपको मिलेगी, स्प्लिट शायर है वहां पर आपको मिलेगी, विकीमीडिया कॉमन्स है. जैसे मैंने पहले भी बोला था ये सजेस्टिव लिस्ट है. इसके अलावा अगर आप ढूंढेंगे तो आपको और बहुत सारे साइट्स मिलते हैं जहां आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं. सो ये इमेजेस अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं. पिक्साबे है, पिक्सल्स है, अनस्प्लैश है, फ्लिकर है, स्प्लिट शायर है, विकीमीडिया कॉमन्स है. अब इसे अगर आप विकीमीडिया कॉमन्स में जाते हैं तो आपको बहुत इमेजेस मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इमेजेस जो हैं उनमें आपको एट्रीब्यूशन होता है, वो CC लाइसेंसेस में होती हैं. वेरस अगर आप पिक्साबे में जाते हैं तो आपको वो ज़्यादातर इमेजेस जो आप फ्री ढूंढेंगे वो आपको फ्री डाउनलोड मिलती हैं. उसमें कई बार एट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होती, वो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो आप कैसे उसको यूज़ करना चाहते हैं कैसे, तो ये सारी साइट्स हैं, पिक्साबे, पिक्सल्स, अनस्प्लैश, फ्लिकर, स्प्लिटशायर, विकीमीडिया कॉमन्स. अगर हम इसमें देखें तो मैं जस्ट क्लिक करती हूँ पिक्साबे जाने की कोशिश करती हूँ. सो पिक्साबे पे हमें अगर ये ले जाती है साइट, तो हम पिक्साबे में अगर हम जाते हैं तो देखिए शायद अभी किसी एक ने बोला कि हैव यू एवर यूज्ड OER. सो हाँ, मुझे मिला OER, उन्होंने यूज किया है. सो आई जस्ट गो टू पिक्साबे. आई होप माय स्क्रीन जो है वो दिखेगी आपको. अभी पिक्साबे करके मैं अगर क्लिक करती हूँ तो pixabay.com पे मैं जा रही हूँ. यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं कोई इमेज ढूंढना चाहती हूँ तो सपोज मैं एक इमेज ढूंढना चाहती हूँ सेल. मैंने सेल टाइप किया. थोड़ा सा नेट आज स्लो लग रहा है मुझे. मैंने सेल टाइप किया. और ये देखिए, क्योंकि सेल का जो मतलब होता है वो स्क्रीन पे आपके नहीं आ पा रहा है, लेकिन सेल का मतलब जो है वो सेलफोन से भी होता है और बायोलॉजी के सेल से भी होता है. तो अगर हम देखेंगे तो ये बायोलॉजी की जो सेल की अगर हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फ्री डाउनलोड भी आ जाता है और हम उस पर जाके बात कर सकते हैं. तो मैं अगर आगे जाऊँ तो YouTube, जब हम वीडियो पे जाते हैं तो वीडियोस के लिए आप YouTube पे जा सकते हैं, आप Vimeo पे जा सकते हैं. आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो FB लाइव का था, शायद अभी सिर्फ एक ही जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था menti.com पे कि दैट उन्होंने यूज किया. तो अगर हम देखें तो काफी अवेयरनेस है एंड पीपल हैव यूज्ड OER. देन मैंने आपको पिक्सा भी दिखाया था. पिक्सा बे में अगर आप देखेंगे सेल की तस्वीर तो आपको सेल की तस्वीर दिखाई देगी और आप उसको देख पाएंगे. दिस इज पिक्सा बे. और पिक्सा बे में अगर हम सेल करके डालते हैं, सेल करके ढूंढते हैं
कि कोई भी तस्वीर, तो वो आपको वहां पर वो तस्वीर दिखाई देगी। मैंने एक सेल की तस्वीर क्लिक की है और अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। ये सेल की तस्वीर जो है, कोई भी चीज की तस्वीर डाल सकते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस है, सेल है, आप ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी। आपने जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सेल की तस्वीर है, सेल सेलफोन भी हो जाता है, मोबाइल को भी हम सेल बोलते हैं। तो सिस्टम में जिस तरीके से लोग अपलोड करेंगे उसी तरीके से आएगा। तो सपोज हम बायोलॉजी के लिए बना रहे हैं या अगर हम सोशल साइंसेस के लिए बना रहे हैं, कहीं पर हमें मोबाइल की तस्वीर चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। बट अगर हम सेल की तस्वीर चाहते हैं तो हम सेल की तस्वीर पे क्लिक करेंगे। अगर ऐसे किसी भी तस्वीर पे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लाइक फ्रीडम मूवमेंट हो, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाहे लाइक डेवलपमेंट हो, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, कोई भी टॉपिक है, आप यहाँ पर जाके आप डालेंगे दीज, बेसिकली दीज पिक्चर्स आर इन पब्लिक डोमेन बिकॉज पीपल हैव अपलोडेड दीज पिक्चर्स, पीपल लाइक यू एंड मी, उन्होंने इसको एज एन ओ ई आर, एज अ ओपन रिसोर्स सबके लिए किया है। आप यहाँ पर अपलोड कीजिए, आप भी अपलोड कर सकते हैं, मैं भी अपलोड कर सकती हूँ, और फिर ताकि हम उसको लोगों के लिए, लोग उनको यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सेल की पिक्चर है, अगर मान लीजिए मैं किसी सेल की पिक्चर यूज करना चाहती हूँ, सपोज मैं बायोलॉजी में कोई मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहां पर मैं इस सेल की पिक्चर को मैं यूज कर सकती हूँ और इसको मैं फ्रीली डाउनलोड कर सकती हूँ। आप इसके बगल में देखेंगे कि फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, और जब मैं यहाँ पर फ्री डाउनलोड करूंगी तो ये कहता है फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। आपको एट्रीब्यूट भी करने की जरूरत नहीं है, किसकी है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और आप इसको अगर किसी किताब में या किसी नोट्स में, किसी बुक में जो आप सेल करेंगे उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज आप कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ओपननेस ऑफ द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल। माइंड यू, वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट दैट जो भी इंटरनेट पे होता है वो कॉपीराइटेड होता है, अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन दैट कि वो पब्लिक डोमेन में है या फिर वो ओईआर है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप कोई तस्वीर लेते हैं, कोई नोट्स लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्लीज उसको देख लीजिए कि वो कॉपीराइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जब तक आप अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तब तक ओपन एजुकेशन, तब तक आपको कोई भी चीज वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप फेयर यूज पॉलिसी में, हम जब क्लासरूम में किसी भी चीज को, इवन कॉपीराइटेड मटेरियल को, हम सिर्फ पठन पाठन के लिए यूज करना चाहते हैं, फेयर यूजिंग इट ओनली फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, वी आर अंडर द फेयर यूज पॉलिसी ऑफ द फेयर यूज पॉलिसी। बट अगर हम उसको ऑनलाइन में डालते हैं, when we are using it for as an online resources and as we are going for online courses we are going more and more online, so then it becomes an issue. You cannot use anybody else's material under your name without seeking permission if it is a copyright material, और विदाउट एक्नोलेजिंग इफ इट्स एन ओईआर। सो अगर कॉपीराइट है तो आपको परमिशन लेने की भी जरूरत है, अगर कॉपीराइटेड नहीं है तो आपको सिर्फ ओईआर है तो आपको सिर्फ एट्रीब्यूट करने की जरूरत है। एंड एट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल, मैं आपको बताऊंगी बाद में कैसे एट्रीब्यूट करते हैं। TASL तरीके से एट्रीब्यूट करते हैं। टी मतलब टाइटल, ए मतलब ऑथर, S मतलब सोर्स विच इज द लिंक फ्रॉम वेयर यू गॉट इट, एंड देन लाइसेंस विच लाइसेंस इट इज, CC BY, CC BY SA या CC BY NC, ये कैसा लाइसेंस है वो चीजें आपको बताने की वहां पर जरूरत होती है। सो मैं आगे, जब वो इमेजेस की बात हुई, हम वीडियोस और ऑडियोस भी कई जगह से ले सकते हैं। यूट्यूब है जहां से तो हम सभी लेते हैं, बट यूट्यूब में भी आप ये ध्यान रखिए कि वहां पर हर जो वीडियो है वो आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब के स्टैंडर्ड लाइसेंस पॉलिसी में होता है। वहां पर कुछ वीडियोज जो है वो क्रिएटिव कॉमन्स भी होते हैं। अगर आप वहां जाके किसी भी वीडियो को सर्च करेंगे तो सर्च बार के नीचे आएगा फिल्टर लिखा होगा। आप ध्यान दीजिएगा, फिल्टर हम लगाते हैं ना वेरिएबल्स करके, तो फिल्टर लिखा होगा। वंस यू गो टू दैट फिल्टर, आपके पास बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं, फिल्टर लगाते हैं कि हमें 5,000 से कम का चाहिए, हमें ब्लू कलर का चाहिए, हमें एंकर कंपनी का चाहिए, दीज आर कॉल्ड फिल्टर्स। सो सिमिलरली यूट्यूब में जब आप सर्च बार करते हैं उसके नीचे फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स में आप फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स में पांचवा जो ऑप्शन होता है वो क्रिएटिव
कॉमन्स का ऑप्शन होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे वीडियोज आएंगे जो OER है, क्रिएटिव कॉमन्स OER है, तो आप उन वीडियोज को बिना किसी हिचक के अपने ऑनलाइन मटेरियल में यूज कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन टीचिंग में यूज कर सकते हैं विथ प्रॉपर एट्रीब्यूशन। बाकी जो यूट्यूब वीडियोज हैं वो कॉपीराइटेड होते हैं और आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस या बिना परमिशन के आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। और यूट्यूब तो वैसे भी आपको डाउनलोडिंग नहीं अलाउ करती है। यस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो करते हैं, एसएस करके हम उसको डाउनलोड कर देते हैं, यूट्यूब डाउनलोडर करके हम उसको डाउनलोड करते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर यूट्यूब आपको अलाउ करता डाउनलोड तो उसने क्यों नहीं दिया डाउनलोड का ऑप्शन। हाँ, आप कहोगे कि मोबाइल में तो है डाउनलोड का ऑप्शन, क्यों? बिकॉज मोबाइल इज एन इंडिविजुअल यूज, सो वो इंडिविजुअल यूज के लिए डाउनलोडिंग की परमिशन आपको मोबाइल पे दे रहा है। बट क्यों आप सिस्टम पे है, पब्लिक या ज्यादा ग्रुप के लिए वो डाउनलोड की परमिशन नहीं दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, एसएस से या फिर यूट्यूब डाउनलोडर से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से उसको डाउनलोड करते हैं, विच इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब। सो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो, चलिए मैंने बताया ना कि आप अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं बिकॉज फेयर यूज पॉलिसी हो जाता है, बट जनरली डोंट पुट इट इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, डोंट यूज इट इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द पॉलिसी। देन Vimeo अनदर साइट है जहां पर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, वीडियो रिसोर्सेज। टीचर ट्यूब एक ऐसी साइट है जहां पर आपको हर सब्जेक्ट से, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलते हैं। MIT ब्लॉसम्स हैं, आप प्लीज एक्सप्लोर कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, आप इनको एक्सप्लोर कीजिए, यू विल रियली बेनिफिट। आपको लगेगा अरे ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। ऐसा नहीं कि हम लोग ढूंढते हैं इंटरनेट पे, लेकिन ये रिसोर्सेज आप बिना किसी हिचक के यूज कर सकते हैं। फ्री साउंड है जो आप साउंड के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत से, सपोज आप कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं, आजकल तो वीडियो की दुनिया हो गई है, हर जगह हम वीडियोज बना रहे हैं या वीडियो विजुअल लर्निंग को हम ज्यादा वो कर रहे हैं। तो अगर सपोज आप कुछ बता रहे हैं वाटर साइकिल और आप वाटरफॉल का म्यूजिक चाहते हैं पीछे, तो आप जाइए यहाँ पर, आप वाटरफॉल के आपको बहुत सारे वीडियोस साउंड्स मिलेंगे, आप जाके फ्री डाउनलोड है, आप वहां से MP3 फाइल डाउनलोड। इसी तरीके से Zomato है जहां पर आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं म्यूजिक की और आप यूज कर सकते हैं। फिर एक अनदर साइट है जहां पर स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स में आपको बहुत सारे सिमुलेशंस मिलते हैं, PHET फेट साइट पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप जरूर 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 एक्सप्लोर कीजिए इन साइट्स को, एंड यू विल बी अमेज्ड एज टू द काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन दीज साइट्स। देन टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू गेट ओपन टेक्स्ट बुक बिकॉज स्टिल पीपल लाइक टू रीड, एंड लैंग्वेज, जैसे हम बोलते हैं कि लैंग्वेज के लिए रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है जिससे हम अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं या नॉलेज एनहांसमेंट करते हैं। सो BC कैंपस है, यहाँ पर आपको बहुत बुक्स मिलती हैं। ओपन टेक्स है, यहाँ पर आपको बहुत ओपन टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, आप यूज कीजिए। आपको जरूरी नहीं कि आपको कोई बाजार से ही बुक खरीदनी है या खरीदनी ही है, बट आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। AU प्रेस अनदर साइट, विकी बुक्स अनदर साइट जहाँ से आपको मिलती है। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है जहां से आपको बहुत सारी बुक्स मिलती हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं या जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो ये टेक्स्ट बुक्स जो है इनमें आपको फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं, प्लीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन हम अगर जो हमने किसकी बात की, हमने इमेजेस की बात की, हमने वीडियो एंड ऑडियोज की बात की, हमने टेक्स्ट की भी बात की। सो जब भी हम कोई भी रिसोर्स बनाते हैं, इवन जैसे आप स्वयं पे अगर कोर्स बनाते हैं या इस तरीके से कोई भी ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये सारे रिसोर्सेज हमको चाहिए होते हैं। हमको इमेजेस चाहिए होती हैं, हमको वीडियो एंड ऑडियो चाहिए होता है, हमको टेक्स्ट बुक्स चाहिए होती हैं, एंड देन बहुत सारी लाइब्रेरी गाइड्स होती हैं जिनकी हम बात करते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारे OER इनिशिएटिव्स हैं, जैसे NPTEL नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट रिसोर्सेज की मैंने बात की थी अभी आपसे। सो इन रिसोर्सेज पे, NPTEL पे आपको पूरा कोर्स मिलता है, यू विल गेट लॉट ऑफ कोर्सेज विच आर अवेलेबल, एंड यू कैन कंबाइन इट विद रिसोर्सेज, जो टेक्स्ट रिसोर्सेज मैंने बात की। जैसे कि बहुत सारा टेक्स्ट मटेरियल आपको NDLP मिलता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया,
इंडिया। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें आप बहुत सारी बुक्स मिलती हैं विच आर ओपन टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो, विच आर ओपन एक्सेस ऑल्सो एंड विच कैन बी यूज बाय द टीचर्स, एंड देर आर सम क्यूरेटेड मटीरियल ऑल्सो। क्यूरेटेड मटीरियल से मतलब ये हुआ कि वो मटीरियल हो सकता है कि उतना ओपन ना हो, बट इट इज क्यूरेटेड मीन्स वो वहाँ पर रेफरेंस है जिसको आप सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस में आप उसको जाके आगे यूज कर सकते हैं। सो NDL एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और जहाँ पर आप टेक्स्ट बुक्स आपको, इनफैक्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही नहीं, आपको वीडियोज और भी रिसोर्सेज वहाँ पर आपको NDL पे मिलते हैं। और जैसा कि स्पेशली बाहर की कंट्रीज में होता है कि जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में अगर जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए एज एन ओयर, वो आप वहाँ जाके टीचर्स को, सॉरी लाइब्रेरियंस को बता सकते हैं और वो रिसोर्सेज वो आपके लिए एक सिलेक्टिव रिसोर्सेज से, अगर मुझे मैथ्स में चाहिए या मुझे केमिस्ट्री में चाहिए या मुझे फिजिक्स में चाहिए, वो रिसोर्सेज में वहां पर जाके बता करूंगी, तो वो डिफरेंट OER resources, images, text, ये सारी चीजें हमारे लिए ढूंढ के एक जगह ले आते हैं। सो दे आर कॉल्ड द लाइब्रेरी गाइड्स, हम उसको शॉर्ट में लिब गाइड्स बोलते हैं। आप लिब गाइड्स करके भी टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। NPTEL है जैसे मैंने बताया था, NROER है, ये भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है स्पेशली फॉर द स्कूल लेवल। नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशन रिपोजिटरी MHRD का इनिशिएटिव है, मैनेज एंड मेंटेन बाय NCERT। देन यू हैव ओपन OER फॉर स्कूल्स, ये होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, इनका इनिशिएटिव है। NIOS ने भी एक OER इनिशिएटिव किया था विच वॉज डन इन लाइक कंप्यूटर साइंस एंड अदर फ्यू कोर्सेज वर देयर। टेस इंडिया एक साइट है, KOER है, जैसे NPTEL मैंने अभी आपको बताया, तो NPTEL को के साइट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे रिसोर्सेज कोर्सेज, ये सारे आप वहां पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर आपको मिलेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं वहां पर। इसी तरीके से अगर NPTEL ने एक और इनिशिएटिव शुरू किया था कि वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा था, ना सिर्फ आपको कोर्स मटेरियल दे रहा है, और NPTEL जो है वो स्वयं पे भी उसके बहुत कोर्सेज हैं। और अगर आप NPTEL का मटेरियल देखेंगे तो वो CC BY SA है वहां पर, दैट मीन्स जो भी मटेरियल आपको NPTEL पे मिलता है वो शेयर अलाइक है, मीन्स आपको अगर फ्री में मिला है और आप उसमें कुछ कॉन्टेक्चुलाइज करते हैं तो आपको आगे भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, और अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट वो फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज। यू कैनॉट मेक मनी आउट ऑफ द मटीरियल विच यू हैव गॉट थ्रू योर got from the site of NPTEL. So, ये ऐसी साइट है जहाँ पर अगर NPTEL अगर आप देखेंगे तो ये IITs का इनिशिएटिव था, जहाँ पर उन्होंने 7 IITs और ISC they came together and they and this is one of the most successful of the projects of Government of India. और जैसा मैंने अगर आपको याद कीजिए तो मैं 2012 में कह रही थी कि OER Paris Declaration ने कहा था जो भी पब्लिक फंड से रिसोर्सेज हैं दे शुड बी मेड फ्री, so this resource is made free by the public fund and then it is available under the as an OER. Then I was talking about the NROER, which is basically a repository by NCERT, and NCERT ne ke jaise NCERT sabhi subjects ko class 1 se class 12th तक डील करता है, सो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, आपको वीडियोस भी मिलते हैं, आपको इमेजेस भी मिलती हैं, आपको टेक्स्ट भी मिलता है, ये सारे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। और अगर आप उसके नीचे जाए किसी भी साइट की, अगर आपको देखना है कि वेदर वो OER है कि नहीं है, तो आप उसके नीचे जाके देखिए, नीचे या साइड में कहीं पर वो सिंबल होगा या ये लिखा होगा कि ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंडर है। सो इसी तरीके से NROER के साइट में अगर आप जाएंगे तो नीचे लिखा होगा कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंडर है, और जो वहां का लाइसेंस है वो है CC BY SA, मीन्स आपको एट्रीब्यूट करना है, एट द सेम टाइम हम आपको शेयर अलाइक करना है उसमें कि आपको उसी टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आप यूज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो आप आगे भी उसी टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको रिलीज करेंगे जैसा कि आपको मिला है। अगर आप OER को देखें तो आपको विकिपीडिया का लाइसेंस भी CC BY SA ही है।
सो अगर हम आप जैसे एनपीटीईएल की बात की, तो वहां पर उन्होंने कमर्शियल एंगल भी डाल दिया है, वेयर इज यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें इसमें हमारा जो है वो कमर्शियल एंगल नहीं आता है, बल्कि सिर्फ वो एंगल आता है कि आपको उसको शेयर अलाइक करना है. तो इफ आई गो बैक टू क्रिएटिव कॉमन्स, आई जस्ट स्किप्स माई सम ऑफ माई स्लाइड्स. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये OER है? OER जब हम डिफाइन करते हैं तो OER दो चीजों के मध्य में होता है, कॉपीराइट और पब्लिक डोमेन. दैट मीन्स कॉपीराइट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव, कि किसी भी चीज के कॉपीराइट की जब हम बात करते हैं तो ये आता है कि कोई भी उसको बिना परमिशन के लिए नहीं यूज कर सकता है. अगर आपको यूज करना है तो आपको निशा की परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर आपको यूज करना है तो अगर निशा चाहती है कि कुछ कोई या कोई भी ऑथर उसको चाहता है कि आप कुछ पेमेंट करें, तो आप पर यूज या पर 10 यूज ऐसे करके आप उसको पेमेंट कर देते. तो कॉपीराइट इज एक्सक्लूसिव टू द ऑथर्स एंड क्रिएटर्स, वेयर एज पब्लिक डोमेन मतलब कि आपने जो भी बनाया है वो आपने रिलीज कर दिया है, उसे कोई बात नहीं. जैसे हमारे यहाँ ना गुप्त दान होता है ना, जैसे प्याऊ होता है, कोई भी आप आके वहां पर प्याऊ में पानी पीता है तो आपको नाम उसको बताने की जरूरत नहीं है. अक्सर प्याऊ में ये भी नहीं लिखा होता है कि किसने बनाया, कई जगह लिखा होता है कि डोनेट किया है वगैरह. अदरवाइज गुप्त दान का जो संदर्भ होता है या रख दिया है कोई भी यूज करे. जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ये होता है कि अगर वो लोग अपना पुराना सामान अगर कोई निकालना चाहता है तो पुराना सामान जो है और पुराने कपड़े हैं वो उनके यहाँ डेडिकेटेड प्लेसेस होती हैं, वहां जाके वो छोड़ आते हैं, और कोई भी जिसको भी जरूरत है वो वहां पर जाके वो मटेरियल या वो सामान ले सकता है. तो इससे ना देने वाले को प्रॉब्लम होगा और ना लेने वाले को ये हीन भावना होगी कि मैं किसी का मटेरियल किसी का सामान ले रहा हूँ. तो ये चीजें जो है वो दे आर जिसे कहते हैं ना कि एक मानवता की भावना होती है. सो उसी तरीके से अगर हम ओईआर को देखें तो ओईआर जो है वो कॉपीराइटेड मटेरियल, जो कॉपीराइट मटेरियल का होता है, कॉपीराइट मटेरियल एक्सक्लूसिव राइट होता है जस्ट टू द क्रिएटर्स, कि क्रिएटर्स जो है वो उसको बाय वर्च्यू ऑफ देम क्रिएटिंग वो राइट मिलता है, और वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. जैसे अगर हम ओरिजिनल लिटरेरी वर्क की बात करें और ड्रामेटिक वर्क की बात करें, तो वो जो वर्क है वो 60 साल है फ्रॉम द डेथ ऑफ द ऑथर. मान लीजिए किसी ने कोई ड्रामेटिक वर्क बनाया है, कोई किताब लिखी है, तो उनकी मृत्यु के अगले 60 साल तक उसका कॉपीराइट रहता है. इसी तरीके से अगर फिल्म्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, सो ईयर ऑफ पब्लिकेशन से अगले 60 साल तक उसका कॉपीराइट रहता है. सो दीज आर एंड देन जैसे मैंने बोला कि कॉपीराइट बाय वर्च्यू ऑफ समबडी बीइंग क्रिएटर वो कॉपीराइट उसमें रहता है. लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, वहां पर अगर आप रजिस्टर करेंगे और कल को कोई आपके कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है, तो आप उसको कंटेस्ट भी कर सकते हैं, और आप वहां पर जाके उनको बता भी सकते हैं. जो लाइस उसके जो कॉपीराइट तो है ही है, लेकिन अगर हम ओईआर की बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि क्यों कॉपीराइट हर किसी को हर बार मेरे पास ही आना है परमिशन लेने के लिए. ऐसा क्यों नहीं है कि वो कभी भी यूज, जैसे हम अपने घरों में एक्चुअली ब्लैंकेट सा परमिशन नहीं दे देते कि ठीक है आप 9 बजे तक कहीं भी रहो, बट 9 बजे सभी बच्चों को घर में आ जाना है. आप एक ब्लैंकेट दे रहे हो कि आप यूज करो, बट आपको सिर्फ एट्रीब्यूशन करना है. सो उस तरीके का जो राइट हम देते हैं, कॉपीराइट तो हमारा है, बट हम सबके लिए वो राइट फ्री कर दे रहे हैं कि अगर आप यूज कर सकते हो उसको, आप रीयूज कर सकते हो, आप रीमिक्स कर सकते हो, आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप रीचेन कर सकते हो इसको. सिर्फ सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एट्रीब्यूट करना है और आपको सोर्स और लाइसेंस लिखना है. सो ये जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस होते हैं, ये हमें वही परमिशन देते हैं कि कॉपीराइट के ऊपर ये बिल्डअप होते हैं. लैरी लेसिग ने इसको दिया था, कॉपीराइट के ऊपर ये बिल्डअप होते हैं और ये हम अगले काफी सालों तक यूज कर सकते हैं जब तक कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है. क्यों? क्योंकि हम इसको कॉपीराइट पे ही बिल्डअप करते हैं. जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमने इसको ओईआर रिलीज कर दिया तो क्या हमारा कॉपीराइट हट जाएगा? नहीं, आपका कॉपीराइट बिल्कुल नहीं हटेगा, आपका कॉपीराइट तो रहेगा, बल्कि आपका जो मेटीरियल है वो दूर तक जाएगा. दूर तक जाने से मतलब कि अगर कोई चीज प्राइज्ड होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, अगर कम खरीदेंगे तो
कम दूर तक आपका आपका जो रिसोर्स है वो जाएगा, बट अगर आप उसको ओईआर रिलीज करते हैं तो आप सोचिए कहीं भी देश के विदेश के किसी भी कोने में अगर किसी ने यूज किया तो आप एज एन एक्सपर्ट रिकग्नाइज होते हैं कि आप वर्क कर रहे हैं वहां पर। क्रिएटिव कॉमन्स जो है वो लोगों को अपना कॉपीराइट वो करने की मदद करता है कि यू शुड यू कैन रिटेन योर कॉपीराइट। देयर सिक्स लाइसेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, सीसी बाय एट्रीब्यूशन होता है, ये सबसे ओपन लाइसेंस होता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे कि सीसी बाय एक, जैसे अगर हम अपने वोटिंग का देखें, हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जब पार्टी का नाम भी होता है साथ में पार्टी का सिंबल भी होता है। क्यों सिंबल होता है? क्योंकि सिंबल से हम इजीली रिकग्नाइज कर पाते हैं। शुरुआत में जब था तब ये था कि हमारे देश की काफी जनता जो थी वो इलिटरेट थी, उनको पता नहीं था कि क्या चीज होती है, लिख पढ़ नहीं पाते थे, तो वो कैसे इलेक्शन करेंगे, जबकि वोटिंग इज एन इंडिविजुअल राइट। तो वो क्या करते थे, सिंबल से पहचानते थे, कमल का सिंबल, हाथ का सिंबल और साइकिल का सिंबल, झाड़ू का सिंबल, कि कोई भी सिंबल हो तो वो सिंबल से पहचानते थे। सो यहाँ पर भी वही सिंबल और ताकि लिखा जाता है। इस तरीके से अगर आप दिल्ली मेट्रो में आपने देखा हो तो कई मेट्रो होती है, रेड है, येलो है, तो आपके पास पैरों के निशान बनाए होते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरफ से जाके आप सिंबल्स तो आपको पढ़ सकते हो, बट अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ नहीं सकता, सिंबल उन्होंने बोर्ड नहीं देखा, तो भी उन पैरों की मदद से आप पहचान सकते हो कि लाल मेट्रो कहाँ से मिलेगी, पीली में कहाँ से मिलेगी, मेजेंटा कहाँ से मिलेगी, और वो सब कहाँ से मिलेगी। सो जो इससे जब हमने कहा था कि ये 6 लाइसेंसेस हैं, तो जो सबसे सरल लाइसेंस है वो है सीसी बाय एसए। ये कहता है कि आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, आपको सिर्फ उसको एट्रीब्यूट करना है, आपको उसको रीमिक्स करना भी अलाउड है, ट्वीक करना भी अलाउड है, आपको उसको कमर्शियली यूज करना भी अलाउड है, कुछ भी करना अलाउड है, सिर्फ आपको एट्रीब्यूट करना है। एट्रीब्यूट कैसे करना है, TASL, टाइटल, ऑथर, सोर्स एंड लाइसेंस। टाइटल दीजिए, रिसोर्स जो भी है उसका नाम है, सपोज रिसोर्स है आपका लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन इंडिया, ऑथर कौन है, प्रोफेसर गुप्ता, आपको कहाँ से मिला उसका यूआरएल जो लिंक है, या फिर डीओआई होता है उसको दीजिए आप, और फिर लाइसेंस की वो कौन से लाइसेंस में है। ये क्यों जरूरी है, क्यों कल को अगर आपने जिस लाइसेंस से लिया है और आप उसको जिस लाइसेंस में दे रहे हैं, कल को कोई उसको रीमिक्स करना चाहता है तो रीमिक्सिंग ऑफ लाइसेंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सीसी बाय सबसे ओपन लाइसेंस है। उसके बाद अगर आता है तो हमारा आता है सीसी बाय SA। इसी बार ऐसे ही कहता है कि हम आप उसको रीमिक्स कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें जो मॉडिफाइड वो होता है वो सीसी, वो हमको शेयर अलाइक करना है, हमको उसी तरीके से उसको शेयर करना है जिस तरीके से हमको मिला था, मतलब हमको फ्री मिला था और हमको ओपनली मिला था। तो हम जो भी रिसोर्स उस पर मॉडिफाई करके बनाते हैं वो उसी तरीके से ही हमें रिलीज करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड CC BY SA। सो CC BY SA जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये विकिपीडिया का लाइसेंस है, ये NROER का लाइसेंस है, जहां से अगर आप कोई भी रिसोर्स, जैसे विकिपीडिया है, आप उसको ले सकते हैं, उसमें आप एडिशन कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, कहीं पर आप कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे उसके बेसिस पे आप कुछ बनाते हैं तो आपको CC BY SA का लाइसेंस यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ये देखें तो CC BY NC BY ND। तो CC BY NC BY ND वो लाइसेंसेस हैं, बाय एनसी मीन्स नॉन कमर्शियल, जहां पर आपको कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट आप उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। CC BY ND जहां पर आप उसको किसी भी उसमें डेरिवेटिव नहीं बना सकते हैं, मीन्स आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें, एज इट इज आपको वो लाइसेंस यूज करना पड़ेगा। सो CC BY ND है हमारा वो लाइसेंस है। हमारा लाइसेंस आता है अगला है, जब हम दो को कंबाइन करते हैं, CC BY NC BY SA। जब हम SA के साथ कमर्शियल नॉन कमर्शियल एक्टिविटी भी डाल देते हैं तो हम कहते हैं कि वो CC BY NC BY SA है, जो NPTEL का लाइसेंस है, जहां पर आप उसको उसी तरीके से रिलीज कीजिए बट आप उसको नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप उसको रिलीज करते हैं।
आपके पास आता है जो सबसे सख्त लाइसेंस, जिसको हम बोलते हैं CC BY NC BY ND, मींस आपका वो लाइसेंस जो आप नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे, मींस आप किसी पैसा कमाने के लिए नहीं यूज कर सकते। एट द सेम टाइम उसमें आप कोई डेरिवेटिव नहीं यूज कर सकते, एंड पब्लिक डोमेन एज आई सेड इट इज देयर। एंड देन इफ यू लुक एट द स्पेक्ट्रम, इफ हम अगर स्पेक्ट्रम में देखें तो सबसे ज्यादा खुला लाइसेंस सीसी बाय लाइसेंस होता है, और सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो ऑफकोर्स वो होता है CC BY NC BY ND। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अगर हम इसको हमें बस क्रिएटिव कॉमन्स की साइट पे जाना होता है और वहां पर शेयर वर्क करना होता है, अगर आप वो शेयर वर्क पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो रिसोर्स है वो आपका वो कहेंगे कि आप किस कंडीशन में रिसोर्स को करना चाहते हैं। क्या आप उसको शेयर करना चाहते हैं, क्या आप मॉडिफाई अलाउ करना चाहते हैं, क्या आप उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अलाउ करना चाहते हैं। अगर उन सभी चीजों के लिए अगर आप उसको अलाउ करना चाहते हैं तो आपको वो आपको बता देता है कि आप उसको चाहे सीसी बाय में रिलीज कीजिए, या सीसी बाय एनसी में रिलीज कीजिए, या सीसी बाय NC ND में रिलीज कीजिए, सीसी बाय NCSA में रिलीज कीजिए, किसी में भी आप जिसमें भी रिलीज करना चाहें वो आपको इंडिकेशन दे देता है कि किसमें आप रिलीज कर दें। एट द सेम टाइम आपको वो वहां पर एम्बेड कोड भी दे देता है। अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप करना चाहते हैं तो वहां से एम्बेड कोड लीजिए और आप वहां पर उसको अपनी साइट पे एम्बेड कर सकते हैं। या फिर अगर सिर्फ सिंपल है, सपोज PPT में डालना चाहते हैं या किसी मॉड्यूल में डालना चाहते हैं, तो सिर्फ सिंबल को कॉपी कर लीजिए या जो लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन्स 4.0 इंटरनेशनल 4.0 लाइसेंस, आप उसको लेके वहां पर कॉपी कर लेते हैं। आपको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना। एट द सेम टाइम आप दुनिया को ये कन्वे कर देते हैं कि आपको आपने अपने रिसोर्स को एज एन OER रिलीज किया है। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसको कहाँ सर्च करना है, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज की बात की है लेकिन इनको सर्च कहाँ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा सरल होता है आप गूगल पे सर्च कीजिए। गूगल पे हम सभी जाते हैं सर्च करने के लिए। जब आप गूगल पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर सेटिंग्स आता है नीचे। आप गूगल में जो सर्च बार होती है उसके नीचे एक सेटिंग्स करके कॉलम होता है। सेटिंग्स पे अगर आप जाते हैं तो वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आएगा एडवांस सर्च। सो गूगल में एडवांस सर्च की मदद से हम इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडवांस सर्च तो एक बहुत बड़ा एक एक, एक जैसे फॉर्म खुलता है ना वैसा खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा जो चीज आप ढूंढ रहे हैं और उसके नीचे लिखा होगा, नीचे जाएंगे तो यूसेज राइट, मीन्स आप उसको प्रयोग कैसे करें। जब आप यूसेज राइट क्लिक क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा उसमें कई चीजें दी होंगी, फॉर कमर्शियल पर्पस, फ्री टू यूज एंड रीयूज उस पे, और जिस भी लाइसेंस में आप करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कीजिए और गूगल आपको वही रिसोर्स करेगा जो उस लाइसेंस के अंडर होंगे। बाय डिफॉल्ट गूगल आपको कॉपीराइटेड मटेरियल भी ढूंढ के देता है और OER भी ढूंढ के देता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मॉड्यूल बनाने के लिए OER ही चाहिए तो आपको एडवांस सर्च में जाना, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाके एडवांस सर्च में यूसेज राइट और वहां पर आप उसको ढूंढ सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द वेज। देन कोर कनेक्टिंग रिपोजिटरी, अगर आप कोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कनेक्टिंग रिपोजिटरी वाली साइट पे लेके जाएगी जहां पर आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, ओपन एक्सेस मटेरियल आपको मिलेगा। तो जैसे ये सर्च इंजन, जैसे इनका काम ही है कि आपके लिए रिसोर्सेज सर्च करना, एकेडमिक रिसोर्सेज सर्च करना। सो कोर है कनेक्टिंग रिपोजिटरी, एक्सपर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम का ये लाइक इनिशिएटिव है जिन्होंने ये सर्च इंजन बनाया। अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। बेस बेफील्ड एकेडमिक सर्च इंजन, बेफील्ड यूनिवर्सिटीज के उसमें आप एकेडमिक सर्च इंजन उन्होंने बनाया, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम का था उसी तरीके से इनका है। यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। उसी तरीके से आप क्रिएटिव कॉमन्स की साइट पे जाएंगे तो आपको क्रिएटिव CC सर्च करके मिलेगा जहां पर आपको मिलेगा। एंड देन फ्री फुल PDF, यहां पर भी आपको बहुत सारे साइंटिफिक रिसोर्सेज मिलते हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं। तो इन सभी को आप सर्च कर सकते हैं। रीमिक्सिंग के लिए होता है कि हम इसको रीमिक्स कर सकते हैं कि किस लाइसेंस को किसके साथ रीमिक्स कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा फंडामेंटल है कि जो जो सबसे ज्यादा ओपन लाइसेंस होगा उसको हम आराम से मिक्स कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होगा उसको हम उतने आराम से मिक्स नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जो भी नॉन डेरिवेटिव वाले वो है जिनमें हम नॉन डेरी मतलब उसको हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, सो जिसमें भी ND लगा होगा उनको तो हम मिक्स कर ही नहीं सकते।
फिर दूसरी चीज, अगर ऐसे है तो ऐसे को हम मिक्स कर सकते हैं, ऐसे के साथ मिक्स कर सकते हैं जो जिस जो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होता है। तो ये हमें एक तरीके से चार्टिंग की तरीके से मिल जाता है, जिसको हम देख सकते हैं कि किसमें हम मिक्स कर सकते हैं और किसमें हम नहीं मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत सरलता से चार्ट है। एक सीसी ब्लेंडर भी है जिसमें हमें ये 6 लाइसेंसेस हैं, या पब्लिक डोमेन को भी एक लाइसेंस मानते हैं, 7 लाइसेंसेस हैं, उनको क्या हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे ब्लेंडर में नहीं होता है, मिक्स कर देते हैं हम, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हम मिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज आपको वहां पर दिखती है। ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सीसी मिक्स, सीसी मिक्सर डॉट ई जी यू शेयरिंग डॉट ओ आर जी पे आप आके उसको आप ढूंढ सकते हैं। देन हम इसको मिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, एट्रीब्यूट करने के लिए आप टाइटल, ऑथर, सोर्स और लाइसेंस को एट्रीब्यूट कर, जब भी आप एट्रीब्यूट करते हैं, और जब भी आप कोई ओईआर लेते हैं तो आपको कुछ एवेल्युएशन क्राइटेरिया की बात करनी होती है। जैसे पैट और क्रिस्टन ने ये एवेल्युएशन क्राइटेरियाज दिए थे, जिसको हमने जो हम कहते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिक्सिंग करके, लेकिन जब आप मिक्सिंग करते हैं उससे पहले आपको रिसोर्सेज ढूंढने होते हैं, लाइक क्या वो रिसोर्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, कंटेंट एक्यूरेसी कितनी है। एज अ टीचर्स वी नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज कंटेंट एक्यूरेसी, सो हाउ इम्पॉर्टेंट, हाउ एक्यूरेट इज द कंटेंट, व्हाट इज द रेलेवेंस। मान लीजिए अगर कुछ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ले रहे हैं, तो अगर 2002 का रिसोर्स हुआ, 2010 का रिसोर्स हुआ, तो इस पिछले अगले 10 साल में कितना कुछ हो चुका होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो दैट रिसोर्स विल नॉट गिव यू एन अपडेटेड वर्जन। सो रेलेवेंस कितना है, क्लैरिटी कितनी है, भाषा कितनी सरल है, कितनी कॉम्युनिकेटेड है, कंसिस्टेंसी कैसी दी हुई है आपको उसमें, हाउ कंसिस्टेंट इज द रिसोर्स, हाउ मॉड्यूलर इज द रिसोर्स। मॉड्यूलर होने से ये होता है कि अगर आप कोई पोर्शन यूज करना है, मॉड्यूलर में द मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो इफ यू वॉन्ट टू यूज वन मॉड्यूल इट डजेंट अफेक्ट द कंटिन्यूटी विद द अदर मॉड्यूल, राइट, सो यू कैन यूज दिस। देन फ्लो क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरफेस क्या है, हाउ हाउ यूजर फ्रेंडली इट इज। से कोई अगर रिसोर्स है एंड इट इफ इट्स गुड कलर्स वगैरह अगर उसने यूज किए हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स, दे आर ए बिग नो नो, क्योंकि द मोमेंट लैंग्वेज इज नॉट गुड इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द यूजर्स। तो ग्रामेटिकल एरर्स चाहे वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, जिस भी भाषा में हो, हर भाषा के अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। कोई भी भाषा ग्रामेटिकल एरर्स को बर्दाश्त नहीं करती है। सो उनमें किसी भी भाषाओं में हो, प्लीज डोंट डू इट। आप भले ही 10 रिसोर्स की जगह एक रिसोर्स बनाइए, बट प्लीज मेक इट साउंड गुड क्वालिटी रिसोर्स। देन हम कल्चरल रेलेवेंस रेलेवेंस की भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी रेलेवेंट इन आर कल्चर विच आर नॉट सो रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक देखें तो हम अंगूठा अप करने की बात करते हैं। दिस इज अ वेरी वेस्टर्न कंसेप्ट विच हैज कम टू इंडिया ऑल्सो। थम्स अप, दैट इज गो अहेड, येस गुड। बट अगर हम पुराने अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो अंगूठा दिखाना, स्पेशली इन द नॉर्दर्न वर्ल्ड बेल्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज सपोज टू बी ठेंगा, विच मीन्स ओके दिस इज वेरी बैड, या आई विल नॉट डू इट एंड थिंग्स लाइक दैट, मेंट अ बिग नो। सो हाउ द कल्चर हैज एवॉल्व, सो इफ यू आर यूजिंग थम्स अप इन एन एरिया वेयर थम्स अप मीन्स ठेंगा, देन इट बिकम इट इज नॉट रेलिवेंट। सो रेलिवेंट ऑफ द कल्चरल culture is very important for any resource. So when you make a resource, you please evaluate it on these points. And then once you have done that, you must acknowledge title, author, source, and license. I'll end it here. Thanks to you. I can be reached in case there are any queries at drnisha@ignu.ac.in. And I'll take... Please use OER. I'll request you all to please explore the OERs. Use it because they are the only resources which break all barriers, which overcome all the barriers of cost, permission, anything, and they are available there for you. In fact, as teacher educators, I request you to go to the NCT site, which has opened a OER resource. There's a portal or link where OERs are there. You can just go and see the resources, the OER, which are developed by around 210 resources are developed during this COVID times, but by around more than 60 teacher educators of the country, they are there. Then the curated also, which they found to be good, they are there. Then
by certain groups and institutions which have released their material as an OER, the Indian institutions and the academic groups, their resources are also there. Please go and